मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह सोच कर भरकस प्रयास कर रही है कि वह आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, किसी के भरोसे न रह सके, जिसके लिए वह स्व सहायता समूह का गठन कर उन्हें प्रेरित कर रही है। लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी और गफलत की वजह से यह सपना पूरा होते नहीं दिखाई दे रहा। दरअसल उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने शहर में सोन चिरैया नाम से 2 दिवसीय दीपावली पर्व के अवसर पर आकर्षक लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, कलश और मिट्टी से निर्मित कलात्मक दीपक तथा शुद्ध पूजन सामग्री, अचार पापड़ जैसे कई अन्य घरेलू उत्पाद तैयार कर समूह के माध्यम से नगर के मेला ग्राउंड में शहरी स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके उद्घाटन कार्यक्रम में जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुँचे, जिससे महिलाएँ उत्साहित होने के बजाय हतोत्साहित हुई। समूह की महिलाओं ने बताया कि अतिथि बतौर उन्होंने जिम्मेदारों को आमंत्रित किया था, लेकिन वह नहीं आए। डूडा के कुछ लोग आए भी जो औपचारिकता कर फोटोग्राफी कराकर रवाना हो गए, जिससे उन्हें मायूसी हुई। महिलाओं ने बताया कि वह अपने अपने घरों में विविध घरेलू सामान तैयार कर बाजार में स्टॉल लगा रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत का प्रतिफल नहीं मिल रहा। यदि प्रशासन की अच्छी पहल हो जाए तो उनके उत्पाद बाजार में बिक सकते हैं। इन्होंने बताया कि उन्हें सामान तैयार करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, जो उन्हें बैंकों से समय पर नहीं मिल पाते। उन्हें बाजार में स्टॉल लगाने के लिए अच्छे स्थान भी नगर पालिका प्रशासन के द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, जिससे उनकी दुकानों में ग्राहक नहीं पहुंचते। वहीं नगर पालिका प्रशासन के द्वारा माकुल व्यवस्था नहीं की जाती। इस स्थल में महिलाओं के उत्पाद खरीदने और उन्हें उत्साहित करने आई नगर पालिका की नवनिर्वाचित वार्ड क्रमांक 6 की पार्षद प्रमिला जगवानी ने कहा कि प्रशासन द्वारा अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि स्व सहायता समूह की महिलाओं के सामान ठीक तरह बिक सके और उन्हें उनकी मेहनत का प्रतिफल मिल सके। गौरतलब है कि स्व सहायता समूह की महिलाएं आवश्यक घरेलू सामान तैयार तो कर दुकान संचालित कर रही है, लेकिन उनके दुकान शहर के एक कोने में संचालित किए जा रहे हैं, जिससे ग्राहकों की नज़र उनके उत्पादों पर नहीं पड़ रही। ऐसी स्थिति में प्रशासन को चाहिए कि वह अच्छी पहल करे, ताकि वह आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। छोटे बच्चे लेके बैठे हैं, 10 बजे से बैठे, 1 बजे से बैठे हैं, और बस कोई बोहनी नहीं हो रही है। अब फालतू में बैठे यहाँ पर सब अपना काम धंधा छोड़ के, और बताइए कोई ये जगह भी सुनिश्चित नहीं किए हैं कि मतलब अच्छे से रखे, मतलब भीड़ भाड़ वाली एरिया हो, बैठे हैं ना कोई ग्राहक आ रहा ना कोई कुछ आ रहा है, तो हो गया सब अव्यवस्था है। और कुछ लोग तो ऐसे धूप में बैठे हुए हैं और बोलते हैं कि स्व सहायता समूह को बढ़ावा दे, क्या बढ़ावा दें, तो ये तो बच्चे लोग छोटे छोटे धूप में बैठे बीमार तो पड़ जाएंगे, वो तो लेने के देने हो जाएंगे कि फालतू में बैठे हैं, कोई कुछ भी नहीं है, सही बैठे कोई अधिकारी आ भी नहीं रहे हैं, आते हैं तो वो बोलते हैं कि टाइम नहीं है, व्यस्त हैं। अरे सब तो अपने लाइफ में व्यस्त रहते हैं, तो थोड़ा टाइम हम लोग को भी दें, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। बस ये नगर पालिका भी जो है सीएमओ साहब हैं, कोई नहीं आते सर, कोई नहीं आते। भीड़ भाड़ भी उस तरह नहीं हुई है जिस तरह होनी चाहिए, और हम लोग को उत्साह चाहिए कि भाई जब हमारा सामान बिकेगा तब तो लेडीज लोग को भी बैठने में भी अच्छा लगेगा और उस काम करने को काम में हाथ बटाने में भी अच्छा लगेगा। अब हम चाहते हैं कि जो सोन चिरैया वाला ये जो मेला लगाया गया है, उसमें हम चाहते हैं कि नगर पालिका के और लोग भी केवल अधिकारी केवल मुंह से बोल देने वास से नहीं होता भाई, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उनको आगे भी आना पड़ेगा। इस तब न महिलाओं को भी जो आज थोड़ा सा उत्साह हुआ है, तो भाई आगे वो काम करने के लिए भी और अच्छा उनको लगे। तो स्टॉल लगा हुआ है सोन चिरैया उत्सव में, दीपावली के उत्सव में हम लोग ने सभी से सहायता शहरी आजीविका मिशन से ये लगाया गया है समूह का स्टॉल, और इसमें घरेलू उत्पादन अपने मतलब अपने हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट हैं, और उसको लगा है दुकान, पूरी सारी दुकानें लगी हुई हैं। कब से कर रही हैं ये? हम लोग तो 2010 से कर रहे हैं। क्या मदद मिलती है शासन से? शासन से कोई मदद नहीं मिलती है। नहीं तो आप ये तैयार कहाँ करते हैं? ये हम अपने समूह की महिलाएं जो अपना पैसा जोड़े उसी में से पैसा लगा के जोड़ जोड़ के अपना बनाए, अपना बेचे, इसी में से पैसा बना अपना। क्या लाभांश मिलता है? लाभांश अपना बिक्री होता है। शासन की तरफ से क्या मदद मिलती है कि आप लोग? शासन से RF राशि मिलती है समूह बनने के बाद, 10,000 कुछ महिलाओं को मिली है, कुछ को नहीं मिली है, जो कि अभी नए बने हुए हैं, जो पुराने थे हम लोग को 10,000 पहले मिला था। नहीं तो ये जब आप ज्वाइन किए हैं इसके बाद क्या स्थिति में सुधार हुआ है आप लोगों की? अभी तो कोई सुधार नहीं हुआ है।
और बैंक में हम लोगों को CCL के लिए पैसा भी बोले कि लोन मिलेगा तो पड़ा है, आज सालों से पड़ा है। बैंक वाले भी डरते हैं लोन देने के लिए। और यहाँ मेन क्या है, स्टाफ की कमी है, अधिकारी की कमी है। अधिकारी समूह पे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आज हम लोग इतना बड़ा ये मेला लगाए हैं, अधिकारी को बुला रहे हैं उद्घाटन के लिए कि आइए हम लोग का उत्साह बढ़ाइए। महिलाएं अपना त्यौहार में काम छोड़ छोड़ के आई हैं, आज घर से छोटे छोटे बच्चे लेके आई हैं, पर कोई वो नहीं है। तो क्या हम लोग फालतू हैं जो ये सब हमको बेचना है तो हम बाज़ार में भी बेच सकते हैं इसको। तो कोई सहयोग नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं, सारी लेडीज़ हैं, सब बैठे हुए हैं, पर कोई अभी अधिकारी नहीं आया यहाँ पे। और वही सब सामान लगा के देख रहा है कि कोई आए या ना, पर कोई कोई नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया अभी यहाँ पे। और क्या है कि आप लोग ये बेच नहीं पाते हैं, क्या कमी है? कमी ये है कि कोई आ ही नहीं रहा सेलिंग करने। और फिर ऐसी व्यवस्था है यहाँ पे कि आधे लोग धूप में हैं और आधे लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, पानी तक की व्यवस्था नहीं है। मार्केट में लगाने के लिए प्रशासन से क्या सहयोग मिलता है? अभी तो कुछ भी सहयोग नहीं मिला है। कब आपने, आपका क्या लेने आए? जी, मेरा नाम प्रमिला जगवानी है, मैं वार्ड नंबर 6 की पार्षद हूँ। अभी जस्ट जो चुनाव हुए उन्हीं में मैं चुनकर अभी आई हुई हूँ। और मैं यहाँ जी मेरे वार्ड की महिलाओं द्वारा मुझे सूचित किया गया कि यहाँ महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद एक मेला लगाकर बेचे जा रहे हैं, तो मुझे इनवाइट किया गया, मैं यहाँ आई हूँ। 1 बजे से लेकर इनकी दुकानें लगी हैं, मैं कुछ देर पहले यहाँ आई हूँ। मैंने देखा कि और प्रशासन द्वारा इन्हें उचित सुविधा नहीं दी गई है। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, महिलाओं ने काफ़ी मेहनत की है। मैं देख रही हूँ कि अगर इनकी सहायता अच्छे से की जाए, इन पर ध्यान दिया जाए, तो ये महिलाएं काफ़ी आगे दी जा सकती हैं। पर मुझे इसमें प्रशासन के द्वारा कमी महसूस हो रही है, जो कि मैं चाहती हूँ कि प्रशासन ध्यान दे। क्या कमी मानते हैं आप? जी, इन्हें उचित जगह नहीं दी गई है। ऐसी जगह हो जहाँ पर लोगों का ध्यान जाए, जैसे पब्लिक स्पेस पर इनकी दुकानें होनी चाहिए थी। यही जो स्टॉल यहाँ लगे हैं, ये कहीं ऐसी जगह पर होते जहाँ लोगों का ध्यान आकर्षित होता। ये मेला ग्राउंड है जो कि इस बिरसिंहपुर के एक कोने में पड़ जाता है, जहाँ पर लोगों का ध्यान आसानी से नहीं जाता। क्या अपील करती हैं अधिकारी? जी, मैं अधिकारियों से ये अपील करती हूँ कि ध्यान दें, वो खुद आकर इनका सहयोग करें, साथ में आएं और इनकी सहायता करें, इनकी सुने और इन्हें ऐसी जगह दें जहाँ पर लोगों का ध्यान आसानी से आकर्षित हो। बीर सिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।